हाँ जी, फाइनल लोग साड़ी हांडी हो गई है तैयार। नहीं पा गया आटा गुन्न लगे ने, खैर ही होए बहुत जी। कितनी जबरदस्त मस्जिद भी है इत्थे। असीं गोश्त ले आ लिया सी दुकान तो, मैं चलो टमाटर चाहिए ने भाई होरां को, टमाटर लैंदे ते जांदे आ फिर। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता जी सारे खरी नाल होगे, वधिया होगे। ते मैं चलां जी दुकान ते, बॉस नूं कहा तू आराम कर ते मैं अज हांडी रोटी खोदी करनी है। मैं हुण पकाउण वास्ते कोई लै आईए ना दुकान तों, बॉस नूं छुट्टी दित्ती है जी। अज किचन दा कम मैं संभालना, सारा कुछ मैं करना है। माशाल्लाह माड़ी माड़ी बारिश भी आ रही है, मौसम तो ठंडा ही हो गया। गोश्त मैं लै आंदा उस दुकान तों, तां हुण मैं इधर एक नवी दुकान खुली है वेजिटेबल वाली, उत्थों कोई टमाटर शमाटर लैने ने फिर घर जाना है। कवीन रोड से दुकान है जी, ब्रॉडवे प्लाजा भी रिटेल पार्क हो गया तैयार। वो भी चल विखाने जनाब, तो थोड़ी दिनों बाद इतने भी रौनक साहब ने ओपनिंग सून पर्ल सुपर मार्केट भी। तो है जी ब्रॉडवे रिटेल पार्क, ये खुलने वाला सी जाना है साइड से। यह वेजिटेबल वाली दुकान खुली कवीन रोड से ना, अब सीन के नाल चलो जाते हैं इतों रोड क्रॉस करते हुए। आ गया वेख लो जी, असी कोई चीजा चाहिए सी भाई होर नवी दुकान खोली, सिर्फ वेजिटेबल ते फ्रूट होंदा इन्हां कोल। सिर्फ वेख लो जी, हर एक चीज मर्चा मेथी हर एक चीज जनाब तुहानू ताज़ा मिलेगी। वेख लो जी सामने सामने ताज़ा फ्रैश माल लैके आंदे ने इत्थे। तो जहरी गल सेल ज्यादा होंदी है तो फिर माल खत्म ही हो जाता है। मैं देखो ना जी, मैं चलो चलते इन्हों को शॉपिंग करते, नाले तुहाडे नाल भी शेयर करते हैं। किसी चीज़ा लैनिया हो तो आओ, वधिया वधिया चीज़ा इन्होंने को मिलनगियां। ए भाई और दुकानदार ने, सलाम अलैकुम भाई जान। वालेकुम सलाम भाई साहब, ये कब खोली है दुकान? दो हफ्ते हो गए ना जी भाई, हमें तो पता भी नहीं था, हम गुजर रहे थे तो पता चला मैं भाई की दुकान खुली है। चलते हैं अंदर, माल तो माशाल्लाह बड़ा ताज़ा ताज़ा रखा हुआ है। अच्छा क्या क्या है हमारे पास? हर रोज डिलीवरी आती है, वीक के इसका मतलब है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रात को 8 बजे भी जरूरत पड़े तो आपकी दुकान से माल मिल सकता है। बिल्कुल, ये 9 बजे तक आ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि दूसरी दुकानें तो बंद हो जाती हैं। जनाब क्वींस रोड पे तुसी आओगे ब्रॉडवे रिटेल पार्क के बाहर सामने दुकान है जनाब, ते वधिया जी दुकान है। ते और कितने जाने की जरूरत की, 9 बजे तक खुली रहती है, दूसरी दुकान बंद हो जाती है। तो भाई और 9 बजे तक तुहानू सर्विस देंगे। चलो जी फिर असीं गोश्त ले आ लिया सी दुकान तो, मैं चलो टमाटर चाहिए ने भाई होरां को, टमाटर लैंदे ते जांदे आ फिर बनांदे आ कढ़ाई गोश्त। टमाटर ले आ लैने हुण चलदे आ घर। ते ट्रैफिक तुहानूं पता है इस रोड ते काफी है, गड्डी मैं पार सामने मैं खड़ी कीती। ओ जी असीं किचन च पहुंच गए हां, तेरे बोर्ड शोर्ड कढ़ लई है ना, अज बहुत शोर हेल्प भी नहीं करनी, बहुत किचन दा ठेका तेरा ते तू ही पकाना ते तू ही सारा कुछ करना, मैं हेल्प भी नहीं करनी। मैं बहुत टेंशन नाल लाया अड्डा भी गया गुजरिया नहीं, मैं तो कम शम सारे कर लैंदा। तुम फिर कहना तुम बोर्ड नवा नहीं लेंदे, पुराना रखे है ते पुराना बोर्ड, पुराने बोर्ड का तो अपनी मजा है जनाब, नवा करके की करना, पुराना चलता रहे ते सट्टन का की फायदा जी, पैसे क्यों खर्च करने ने, जब तक टूटेगा नहीं तो असं सट देनी, की ख्याल है। टमाटर मैं ज्यादा लाया क्योंकि मैं बनाना होता गोश्त, गोश्त ज्यादा टमाटर मैं पाना, थोड़े टमाटर तो स्वाद ही नहीं आता ना, थोड़े बहुत प्याज किलो गोश्त ले आंदा ते किलो दे अंदर जितने मर्जी टमाटर पाओ, दही ते मैं पानी कोई नहीं, ते टमाटर नाल ही सारी ग्रेवी ग्रूवी मैं बनाऊंगा। मैं टमाटर वड़े वड़े रखने ने हैं जी, इन्हों का छिलका आराम दे नाल लै जाएगा, जब तक गोश्त पकेगा ना तो छिलका छुलका लै जाएगा। जी गुलियां शुलियां तो असीं चुट लिया ने, ऐ देख लो ऐ सारियां खुशबू वधिया जी आ रही है जी, ऐ हुण चुट लिया ने, धनिया रहिंदा प्याज रहिंदा, एक बूटा प्याज का पावांगे ते फिर असी अपना कढ़ाई गोश्त आए, वो मेरे हाथ का बने, लाजमी बनाना अपने घर अपने तरीके, मेरे तरीके नहीं बनाना, ये ना देसी बदवावा देनी शुरू कर दे।
पाकिस्तान दे धनिया दी अपनी खुशबू होंदी है, एदी कोई खास खुशबू नहीं। पाकिस्तानी ताजा ताजा वाहिए चू खो के धनिया पाया हो ना हंडी का स्वाद ही बदल जाता है, तो पूरे ग्रां चो खुशबू हो जाती। एदी साडे घर नहीं खुशबू आती तो गुआढ़ी तो खास जाएगी। चलो जी माड़ी चंगी सफाई कर लेने, बॉस दे आने तो पहले पहले नहीं तो असर रौला पा देना। एक घंटे बना लगा तो कल तू बथेरा पाना है। ए वधिया जी चीज तैयार हो गई है, ए दिल तो करे इंजी खा ली इन लून शून ला दे। लो जी साडा गोश्त ठंडी च धो के पा दिता है, तो हुण जाएगा जी टमाटर शमाटर रख के चीज है ना। वधिया जी शक्ल वैसे ही लग रही है दी ना, इनू जरा मैं मिक्स कर लिया सारे नू, तेरे दी शक्ल हो जाएगी सेट। ते पानी पावांगे ते ढक्कन ला देंगे, मसाले मसूले पावांगे। मेरी हंडी दो चार मसाले जाने ने, ज्यादा नहीं जाने। नमक ते स्पेशल होममेड बसार, स्वाद ही मजा यकीन करो बड़ी जबरदस्त ही खुशबू इन्हां दी। थोड़ा जहा सुखा धनिया खड़का देने, थोड़ी जी हल्दी है, तो जी साड़ा काम हो गया। एक चीज मैं याद ही नहीं रही गल्ला गल्ला च, अदरक जिंजर तो पाई नहीं, हूँ यह भी असं पा लेंगे। इतना थोड़ा जहा पानी मारा तो जुड़े फ्लेवर है ने, वह भी आ जाने गए। फ्लेवर लाया नहीं करने वाले, करते हैं पकाए नु पकन देंगे, जब तक पक जाएगी तो फिर सुन पकावे जी। हांडी बनी हां जी, चेक करो हांडी बनी नहीं, सही नहीं बनी। बनी है लगना बढ़ती है, कोई नहीं बनती तो यार जी। बॉस ने रेस्ट दिया, बॉस ड्रेसिंग एंड जी फेर रहे आज सुबह का। मैं बॉस जी तुसी बहुत खाना छाना पकांदे हो, सेवा करदे आज मेनू टाइम दियो सेवा करन दा। तो हुण पता वांट टू मेक करेले टुडे बट यू वांट टू गो सो यू कैन मेक गोश्त। ला बॉस जी नाले हांडी बनाई दे नाले बॉस नखरे कर। हां जी करेले तुसी आए जी कल पकाने ने, एवें ना मारया कर। नहीं पर लुक एट द माय गैस बॉस जी, ऐ वेखो साफ सुथरा वेखिया, जे मैं सफाई की फिर भी बॉस खुश नहीं। वह तो एंड ते होएगी ना सफाई, हुण उह नाल नाल करिए फिर छिट्टे छुट्टे तो माड़े मोटे पै ही जाते हैं। योगर्ट आटे नाल बिस्किट लाया, पहले मैं जाना बिस्किट लाना फिर मैं योगर्ट लेके आना, क्यों जरा मिक्स आ जाने बॉस रात नूं पसंद करदा है चाह दे नाल खाने। रोज चाह बना के दिने जी, बहुत फिर भी कहना जी मिन्नत करा के। लो जी साडी हांडी भी नेड़े लग गई है, लगता तो गल गुल गया होना, हूँ तो गलना चाहिए काफी देर का रखा इन। कुछ तो सा गल गया, गोटी शोटी मैं टेस्ट कर ली है तो हूँ एंड तेल पावे तो कम साढ़ा तैयार। हम पकावे जारी थोड़ी देर वास्ते ना, तो वधिया जी हांडी ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਥਿੰਗ ਗਣਾ ਹੈਪਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਥਿੰਗ ਗਣਾ ਹੈਪਨ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੋਰ ਯੋਗਟ, ਮੋਰ ਯੋਗਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚਮਚ।
चलेगी। और मैंने की बात आप जी कि Why नीचे can't you just take things out from like the हेलो side? Look at the state of the हेलो car. और चाहिए आटा तो ठीक ही लग रहा है दही दे नाल हुण पता नहीं रोटी का स्वाद की हो जाएगा। मैं बहुत सी दस तैयार होंगी मैं हाथ धनिया भी इनू पा ही देिए सारा रख के की करना ना धनिया भी नाल हल हुल हो ही जाएगा बहुत सी तरह रोटी शोटी तैयार करन लगा क्या जबरदस्त जी हांडी लग रही है बहुत सी है ना स्मेल तो ठीक है हम जायका आएगा तो नो नो अजय आंदे हो ना अजय तेल चढ़ी है आसमान पर हूँ तेल पाया बहुत ही थोड़े उन्होंने लगन तो दे बोटियां तेल बोटियां तेल शेल लगेगा ना फिर असि हांडी लावांगे। फाइनल लुक साडी हांडी हो गई है तैयार जिंजर जाएगी तो इस तू बाद गरम मसाला मैंने कहना जी रेस्टोरेंट स्टाइल मजेदार जहा कढ़ाई गोश्त हांडी गोश्त तैयार तो गर्म मसाले का लाने थोड़ा ज्यादा वैकी तो ताही आना एंड ते हांडी तैयार हो गई साड़ी चार होना लेन चलो जी टाइम ना हांडी भी तैयार हो गई है ना वधिया जी लग रही नहीं लग रही तुहानू लगे ना लगे मैं तो लग रही है माशाल्लाह जी अज तक प्रोजेक्ट साडा कंप्लीट हो गया तो वेखदे आ बॉस पास करदा कि नहीं करदा पास ये तो सारी गल बॉस ही दसने बॉस मजेदार खड़े बनांदा मैं तो गैस कर देने हो तुसी अगे कर लो मेरे तेने प्यार एंड ते ला दे जी छोटी आवाम परांठे नॉर्मल तुसी कहनो अजकल तुसी परांठे बहुते खांदे हो साडी आवाम पसंद ही परांठे बहुत करदी है हेल्थी खाने मैं तो सुकी रोटी खानी है मैं परांठे नाल मेरी लगदी नहीं शाम दे टाइम रोटी मेरे कोल पकदी नहीं मैं रोटी शोटी बना देनी सी मैं लांदा जरा टाइम ज्यादा ते बॉस कोल इतना टाइम नहीं है बॉस नूं चाहीदी है फटाफट रोटी तैयार मैं बॉस जी फिर तू ही बना ला चलो अद्धा काम तो घट ही है अपने आप दी सेवा बिलकुल कभी साडी नाराजगी भी हो फिर भी असि इंजी कर रहे बिलकुल नाफे नो जी मोर देन एनफ अच्छा आई एंड अप ईटिंग माय सैलन एनीवे मैं तो मैं ज्यादा खाना है आज बनाया जी मैं आप रोटियां साडियां पुराने आटे दी ने ए नवे आटे दी ने के फर्क है बहुत ही इधर कितना पुराना सी वो आटा ओ कल बनाया सी हमने ना हां ए देख के फर्क है दही पा के इट्स कम सॉफ्ट टेस्ट लाइक अ नान ओए हां या नान वाला टेक्सचर हो जाना जी दही पा नाल ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟੇਸਟ ਕਰ ਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੋ ਟੇਸਟ ਕਿਹੜੀ ਨੰਗਲ ਟੇਸਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਟੇਸਟ ਰੋਗੀ ਪਰਾਂਠਾ ਦਹੀਂ ਹਲਾ ਫਿਰ ਟੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲ ਵਾਕਈ ਟੇਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਦਾ ਨਾ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੰਡੀ ਪਾਸ ਫੇਲ ਹੈ ਥੋੜਾ ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਚੋਕਡ ਅੱਛਾ ਇਟਸ ਓਕੇ ਆ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਆਈ ਮਸਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੌਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੰਡੀ ਯੂ ਨੋ ਟੇਸਟ ਇਨ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ ਇਸ ਅੰਡੀ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੈਟਸ ਰੋਂਗ ਹਾਂ ਵੈਨ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ ਮੇਕਸ ਅੰਡੀ ਆਲਵੇਸ ਟੇਸਟ ਬੈਟਰ ਲੋ ਜੀ ਵੇਖਣਾ ਜੀ ਸੂਰਜ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰੇ ਭੇਡਾਂ ਛੱਡਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਇੰਜੀ ਪੁਆਇੰਟ
ਬਾਹਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਈਏ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਿਧਰ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜੀ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੈਵਰ ਕਿਉਂ ਟੋਮ ਟੋਮ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਨੋਰਮਲੀ ਆਮ ਅ ਗੁੱਡ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਲਵ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੋਡਸ ਐਂਡ ਮੋਟਰਵੇਜ਼ ਬਟ ਨਾਟ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਨੋ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਨਾ ਉਹ ਟਾਈਟ ਸਨ ਚਲੋ ਜੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟੋਮ ਟੋਮ ਸਾਨੂੰ ਵਾੜਿਆ ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟ ਰਹਾ ਉਧਰੋਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵਾੜ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਘਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਲੇ ਆਏ ਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਲਓ ਜੀ ਮਾਈ ਲਾਹੌਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਮਾਈ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਖਾਦੇ ਆ ਅੱਜ ਖਾਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਅੱਜ ਗੋਸ਼ਤ ਜੇ ਖਾਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਬਚ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਨਫੀਸ ਬੇਕਰੀ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਸਕਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਈਏ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਰਾਤ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਜੀ ਬਿਸਕਟ ਨਫੀਸ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਉੱਧਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਛੋੜ ਛੋੜ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਵਧੀਆ ਜੀ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬੋਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਜੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਬੋਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਲਾ ਸਮੋਲ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਦਰ ਵਨਸ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਇਲਾਂ ਸ਼ਾਇਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਲਵ ਸਪਰੇ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਸੱਲੇ 'ਚ ਜੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਨੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ੈਫਾ ਆਵੇਂ ਜ਼ੈਫਾ ਜ਼ੈਫਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਗਈ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਬੜੇ ਦੂਰ ਖਲਾਈਏ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਜ ਸੁੱਜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਣੀ ਮਾੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਤੋੜ ਤੱਕ ਕਿਧਰ ਗੱਡੀ ਖਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਗਲਾਈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਵਧੀਆ ਜੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਨੇ